हेलो भाई, जैसा कि मैंने फिर रिसेंट किया था कि श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए और इंजर्ड हो रहे हैं, शायद उनका ODI मैच खेलना भी मुश्किल होगा। और वैसा हुआ ही गाइस, श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए हैं और उसी के रिलेटेड हम लोग बात करने हैं और उनका आगे चल कर कौन रिप्लेसमेंट करेगा, मतलब किसे मौका दिया जाएगा और श्रेयस अय्यर की चोट कितना गंभीर, वही हम लोग बात करने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया चैनल कोई करिए सब्सक्राइब और वीडियो को भी करिए लाइक शेयर और बेल आइकन पर दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बिना इसी तरीके के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि श्रेयस अय्यर का जो चोट वो मुझे लगी जब मैच हुई थी, तब मुझे उतना गंभीर नहीं लगी क्योंकि श्रेयस अय्यर फिर जाकर बैट हुए और मैच भी देख रहे थे, लेकिन श्रेयस अय्यर का चोट इतना गंभीर हो गया कि वो ODI टीम से ही बाहर हो गया और उनको ये इंजर्ड बहुत ही महंगा पड़ गया है। जो चोटिल भी हो गया श्रेयस अय्यर, अब शायद इंडिया के लिए नंबर 4 या नंबर 5 पर श्रेयस अय्यर आता है। उनकी जगह मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं, नहीं तो शुभम गिल आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सूर्य कुमार यादव को ही मौका मिला क्योंकि T20 में उन्होंने अच्छी खासी बैटिंग कर रहे थे और T20 में आप लोगों ने देखा ही होगा, आते थे सर अटैकिंग पारी खेले थे सूर्य कुमार यादव और नंबर 3 पर उनको दिया जा रहा था, जिसके पिछले मैच में नंबर 3 पर आया था और T20 में जो ODI में तो थोड़ा सा नीचे दिया गया था। और मेरे हिसाब से जो सूर्य कुमार यादव ही उनको अच्छा रिप्लेस कर सकते हैं श्रेयस अय्यर की जगह, नहीं तो श्रेयस अय्यर की जगह शुभम गिल भी आ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सूर्य कुमार यादव ही उनको रिप्लेस अच्छी खासी कर सकते हैं और श्रेयस अय्यर का मैं सोचूंगा कि चोट उनका जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और IPL में उनको देखने को मिले। आप लोग को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव का रिप्लेसमेंट कौन कर सकता है, मतलब किसका श्रेयस अय्यर का रिप्लेसमेंट कौन कर सकता है, सूर्य कुमार यादव या शुभम गिल? मेरे हिसाब से तो बेस्ट होंगे सूर्य कुमार यादव ही। और आप लोग का जो भी राय अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।